नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे विनय स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लाए हैं आपके लिए छत्तीसगढ़ में विभिन्न योजनाएं। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले हमारे जितने भी नए वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। दोस्तों, वीडियो को देखने के बाद वीडियो को लाइक कीजिए और आगे जो है अपने दोस्तों तक आगे शेयर भी कीजिए। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना का छत्तीसगढ़ में कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन है 2010, 2011, 2012 या 2013। दोस्तों, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना का छत्तीसगढ़ में 2012 से शुभारंभ हुआ है। अगला प्रश्न है, सूरजधारा योजना संबंधित है, ऋण संबंधित, बीज अदला बदली से, टीकाकरण से या बीमा संबंधित से? इसका सही आंसर है बीज अदला बदली। अगला प्रश्न है, पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय रूर्बन मिशन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में क्लस्टर कहाँ नहीं बनाए जाएंगे? आप इसमें ध्यान देंगे कि कहाँ नहीं बनाए जाएंगे पूछा गया है। ऑप्शन है, ए में है मुरमुरा राजनांदगांव जिला, बी लोहारसी धमतरी जिला, सी मानपाल बस्तर जिला या डी धरसीवा रायपुर जिला? इसका सही आंसर है धरसीवा रायपुर जिला। अगला प्रश्न है, राज्य में मातृ शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए संचालित योजना का क्या नाम है? ऑप्शन है, जननी सुरक्षा योजना, शिशु कल्याण योजना, मातृत्व विकास योजना या जननी आपात योजना? इसका सही आंसर है जननी सुरक्षा योजना। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में हितग्राही का योगदान राज्य में कितना है? ऑप्शन है 50%, 40%, 30% या 25%? इसका सही आंसर है 40%। अगला प्रश्न है, मिशन अमृत किससे संबंधित है? ऑप्शन है, शुद्ध पेयजल, नमक वितरण, स्मार्ट सिटी या दुग्ध वितरण? मिशन अमृत यह जो है नमक वितरण से संबंधित है। अगला प्रश्न है, इंदिरा खेत गंगा योजना जो वर्तमान में किसान समृद्धि योजना के नाम से जाना जाता है, राज्य सरकार द्वारा इसे लागू किया गया है, तो बताइए ऑप्शन में कब लागू किया गया है? वर्ष 2001 में, वर्ष 2002 में, वर्ष 2003 में या वर्ष 2004 में? इसका सही आंसर है वर्ष 2002 में। अगला प्रश्न है, हमर छत्तीसगढ़ योजना के अंतर्गत भ्रमण स्थलों में निम्न में से कौन सी जगह शामिल नहीं है? पुनः आप ध्यान देंगे, इसमें शामिल नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन है, पुरखौती मुक्तांगन, राजीव स्मृति वन, पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय या जंगल सफारी? इसका सही आंसर है पंडित रविशंकर शुक्ल, इसे जो है शामिल नहीं किया गया है, बाकी अन्य को जो है इसमें शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, पंचमुखी विकास कार्यक्रम का संबंध है, ऑप्शन है शिक्षा गुणवत्ता से, सड़क परिवहन से, बाल सुरक्षा से या जनजाति विकास से?
इसका सही आंसर है शिक्षा गुणवत्ता से। अगला प्रश्न है, निरांचल परियोजना के क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ के किस ज़िले का चयन किया गया है? ऑप्शन है कोरिया, जसपुर, सरगुजा या दंतेवाड़ा। इसका सही आंसर है जसपुर। अगला प्रश्न है, स्पर्श अभियान किस बीमारी से संबंधित है? ऑप्शन है तपेदिक, नेत्र रोग, फाइलेरिया या कुष्ठ रोग। इसका सही आंसर है कुष्ठ रोग। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी किसान मितान योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन है वृक्षारोपण, किसानों को ऋण देना, फसल चक्र या किसानों को मित्र बनाना। राजीव गांधी किसान मितान योजना, इसका संबंध है फसल चक्र से। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ शासन ने चावल महोत्सव कब प्रारंभ किया? ऑप्शन है जनवरी 2006 से, फरवरी 2007 से, फरवरी 2008 से या फरवरी 2009 से। इसका सही आंसर है फरवरी 2008 से। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में रूर्बन मिशन का आरंभ किस ज़िले से हुआ है? ऑप्शन है रायपुर, राजनांदगांव, बिलासपुर या कबीरधाम। इसका सही आंसर है राजनांदगांव से। अगला प्रश्न है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास योजना के अंतर्गत 2012-13 में किस महाविद्यालय के छात्रों को प्रशिक्षण दिया गया? ऑप्शन है शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जगदलपुर, शासकीय जे वाई छत्तीसगढ़ महाविद्यालय रायपुर, शासकीय NES महाविद्यालय जसपुर या शासकीय VYT महाविद्यालय दुर्ग। दोस्तों इसका सही आंसर है शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जगदलपुर। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में नेत्रदान पखवाड़ा प्रतिवर्ष कब आयोजित होता है? ऑप्शन है 25 अगस्त से 8 सितंबर, 1 मई से 15 मई, 15 जून से 30 जून या 25 अक्टूबर से 8 नवंबर। दोस्तों इसका सही आंसर है 25 अगस्त से 8 सितंबर। अगला प्रश्न है, आज का हमारा अंतिम प्रश्न है यह, नवा अंजोर योजना किससे संबंधित है? ऑप्शन है ग्रामीण विद्युतीकरण, सौर ऊर्जा, नेत्रहीन बालकों के लिए योजना है या ग्रामीण गरीबी उन्मूलन से संबंधित है। इसका सही आंसर है दोस्तों ग्रामीण गरीबी उन्मूलन से संबंधित है। थैंक यू दोस्तों आप सभी को हमारे चैनल पर बने रहने के लिए। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और आगे अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू।